Hello everyone, good evening and welcome to Adda 247 SSC and Railways. I hope we are live now और आप सभी लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं इस क्लास को. तो आज के इस सेशन में नरेंद्र कुमार बिल्कुल सही, ये है आपका सेकेंड सेशन जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं. ऐसे टोटल 6 सेशंस होंगे जिसमें से कल आपका फर्स्ट सेशन हुआ था, आज आपका सेकेंड सेशन हो रहा है. और ये सेशंस जो है सभी एग्ज़ाम के लिए कौशिक इम्पॉर्टेंट है, बी इट योर SSC, CGL और NTPC. हाँ, अब इसी सेशन का नाम बिल्कुल चेंज हो गया है. आई होप दिस वॉज, यू ऑल नो दैट वी वर डूइंग 9 PM में दी करंट अफेयर्स शो, बट यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच के वजह से इसमें JEE आपका पहले लगा हुआ था. तो जैसे कि आप लोगों को पता है, JEE वाला 26 तक हमने किया था और 27 से जैसे कि आपका करंट अफेयर्स शो चलने वाला था उसी हिसाब से आपका करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स है. ये एक साल का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे 6 दिन में 6 घंटे में कंटिन्यू करने वाले हैं और वी आर ट्राइंग टू कवर एक साल का करंट अफेयर्स इन 6 आवर्स ओनली, राइट? इनफैक्ट लेस देन 6 आवर्स, क्योंकि हर दिन 9 बजे हम इस सेशन को कर रहे हैं और रात को 9 बजे यहाँ पे अड्डा 247 SSC एंड रेलवेज में बिल्कुल आप लोग आ जाइएगा. 6 डेज में से आज है Day 2, तो सेशन को जल्दी से लाइक कर देना है, शेयर कर देना है. और एक वार्निंग मैं आपको दे रही हूँ, जितने सेशंस आप लोगों ने मेरे साथ किया है उसमें से करंट अफेयर्स सेशंस थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग लगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, नो इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह. और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट्स आपके होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आई हैव टू कवर समवेयर अराउंड 3 मंथ्स, क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट है दैट इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड योर फेब्रुअरी एज वेल. तो दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी को एक साथ अगर हमें लेके जाना है इन अ टाइम ऑफ 1 आवर, सो दिस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टे फोकस्ड और एग्जाम में जो है बिल्कुल यहाँ से आपको मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है? चलो नाउ लेट अस स्टार्ट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट दीज आर नॉट बोरिंग, बट विदाउट एक्सप्लेनेशन, इवन इन केस प्लीज़ सिट विथ अ पेन एंड अ पेपर. और जैसे कि कल मैंने आपको एक कीवर्ड वाला टेक्निक बताया था कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखना है, वैसे आप लोग इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को कम से कम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है? 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स, वी हैव द टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग इन 1 आवर, सो लेट अस बिगिन एंड लेट अस कम टू द स्लाइड्स, ठीक है? तो आप अभी यहाँ पे कंप्यूटर जी आ जाइए यहाँ पे कैमटेशिया में. और आप जैसे कि देख पा रहे हैं SSC, CGL और NTPC और सभी एग्जाम्स के लिए सेशंस आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा. समय है हमारे हाथ में बहुत कम, तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और पेन और पेपर के साथ लेट्स बिगिन. सबसे पहले दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर नवंबर कल किया था. सो द फर्स्ट वन इज अबाउट, यहाँ इस पार्ट में आपको जो दिखता है ना, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको तो ज़रूर से पढ़ना है, ठीक है? BWF वर्ल्ड टूर 2018 कहाँ पे कंक्लूड हुआ, ठीक है? आंसर क्या है? चाइना में कंक्लूड हुआ. नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, मेन्स सिंगल टाइटल किसे मिला? शी कुई यूकी को यहाँ पे मेन्स टाइटल मिला. रनर अप जापान से थे. ओके, ये क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर टू की वुमेन्स सिंगल टाइटल BWF वर्ल्ड टूर जो आपका कंपटीशन है यहाँ पे, वुमेन्स टाइटल किसे मिला, क्योंकि PV सिंधु फ्रॉम इंडिया ये टाइटल आपको मिला है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, अभी तक कौन सा वर्ड लिखा होगा? एक BWF कहाँ हुआ? चाइना. और दूसरा क्या है? PV सिंधु वुमेन्स सिंगल. ये दो वर्ड सभी लोगों ने लिखा होगा, ठीक है? भले ही पॉज कर लीजिएगा लिखना हो तो. द नेक्स्ट वन इज अबाउट बेल्जियम बीट नदरलैंड्स टू विन FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2018. FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? आंसर इज बेल्जियम ने जीता. नेक्स्ट, बेल्जियम ने जीता और ये जो है फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल था बेल्जियम के लिए भी, यानी कि यहाँ भी बेल्जियम भी बहुत खुश है क्योंकि उसने सबसे पहला वर्ल्ड कप टाइटल यहाँ पे हासिल किया है. तो इट बिकम्स अगेन डबल इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका कंपटीशन हुआ और ये जो आपका फाइनल मैच हुआ, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हमारे यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ. उड़ीसा बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट रहने वाला है इस पूरे 6 महीने के अंदर होने वाले एग्जाम्स में, ठीक है?
The next one is about the overview of this entire FIH Hockey World Cup. बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? आर्थर वैन डोरेन को मिला है, जो कि ऑब्वियसली बेल्जियम से ही है. गोलकीपर किसे मिला है? गोलकीपर नदरलैंड से यहाँ पे प्रिमिन ब्लैक को मिला है. यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थिस वैन डैम को मिला है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और फेयर प्ले अवार्ड जो है स्पेन को मिला है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कॉपी में क्या सबका लिखा हुआ होना चाहिए? Who won the FIH Hockey World Cup 2018? आंसर क्या है? बेल्जियम. सभी लोगों ने लिख लिया. तीन क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका अभी तक बन गया होगा. ठीक है, सो दिस इज द सेम इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट पे आते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर SSC. डबल स्टार लगा दिया मैंने. क्यों? क्योंकि 10 मॉन्यूमेंट्स, दसों के दसों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एडॉप्टेड यानी कि बच्चे को एडॉप्ट करते, ये सुना होगा सबने, मॉन्यूमेंट्स को भी अडॉप्ट करते. जी हाँ, अंडर अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट. कौन सा प्रोजेक्ट? अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट. कौन से मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है? दो लोगों ने हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में पैसे नहीं दिए इसके लिए, दे आर नॉट फाइनेंसिंग इट, बट येस दे आर अ पार्ट ऑफ इट. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज योर ASI. अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान. सबसे पहले रेड फोर्ट एडॉप्ट किसने किया? दलमिया भारत लिमिटेड ने किया. गोंडीकोटा फोर्ट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, दलमिया भारत ने किया इसलिए, बट रेड फोर्ट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, दलमिया भारत लिमिटेड. द नेक्स्ट वन इज एरिया सराउंडिंग द गंगोत्री टेम्पल एंड ट्रायल टू गौमुख, जो आपका उत्तराखंड में है. द नेक्स्ट वन इज योर एट लद्दाख माउंट स्टॉक कांगरी ट्रैक, ये आपका अभी हिमालय में जो है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिक का भी आपका एक न्यूज़ में इशू आया. किसने अडॉप्ट किया है? एडवेंचर टूर ऑपरेट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. जंतर मंतर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट क्या था? रेड फोर्ट किसने अडॉप्ट किया. दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? जंतर मंतर. APJ पार्क होटल्स. सूरज कुंड मेला लगता है इसीलिए इंपॉर्टेंट. ब्लिस इन्स वी रिजॉर्ट. कुतुब मीनार वेरी इंपॉर्टेंट, यात्रा ऑनलाइन. अजंता केव्स वेरी इंपॉर्टेंट, यात्रा ऑनलाइन. लेह पैलेस लेह में यात्रा ऑनलाइन. हम्पी वैसे भी धरोहर है, किसने अडॉप्ट किया है? यात्रा ऑनलाइन. जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, रेड फोर्ट, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, अजंता, लेह, हम्पी, ऑल दी फोर ऑफ यात्रा ऑनलाइन आर इम्पॉर्टेंट. एग्जाम में पूछा ये भी जा सकता है कि कौन सा धरोहर कहाँ पे है. ओके, ये भी पूछा जा सकता है. गुड इवनिंग अगेन एवरीवन, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं. सो वी आर नॉट फार नाउ, तो आप अभी से भी फोकस कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज अबाउट स्टार स्क्रीन अवार्ड्स 2018. ठीक है, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स 2018. JEE के एग्जाम में आपको पूछा गया कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला. RRB JEE में ये पूछा गया. ठीक है, तो रणवीर सिंह को मिला पद्मावत के लिए. बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है राजी के लिए. ये दो तो आपको बिल्कुल देखना है. नेक्स्ट राजकुमार राव, ऑब्वियसली मेरा भी थोड़ा सा फेवरेट है, सो आई डेफिनेटली हाईलाइट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं. और साथ ही साथ यहाँ पे शबाना आजमी जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आपको ये याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. दो नाम बिल्कुल याद रखना है, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, एंड देन अबाउट शबाना आजमी, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है. नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स. हैव यू हर्ड अबाउट इट? पार्लियामेंट्री अवार्ड्स भी होते हैं? हाँ होते हैं. ठीक है, लोकमत मतलब कि लोगों का मत, लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स, जिसके तहत 8 पार्लियामेंटेरियंस को ये ऑनर दिया है. ये किन्होंने दिया है? वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने ये आपका जो है दिसंबर के महीने में ये ऑनर दिया था. ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दो लोगों को मिला है, शरद पवार को मिला है और मनोहर जोशी को मिला है. बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड यहाँ पे मिला है गुलाम नाजी आज़ाद को और आपका निशिकांत दुबे को. सो बेस्ट डेब्यूट वुमेन पार्लियामेंटेरियन हेमा मालिनी को मिला है, क्योंकि एनी हाउ
फिल्म जगत में भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, तो आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है. बेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन रमा देवी, तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, ठीक है. बेस्ट डेब्यूट वुमेन पार्लियामेंटेरियन. बेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन इन राज्यसभा, डीएमके लीडर कानी मोजी. बेस्ट डेब्यूट वुमेन पार्लियामेंटेरियन इन दी राज्यसभा, चया वर्मा. तो यहाँ पे जो है दिस क्वेश्चन अबाउट हेमा मालिनी बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हेमा मालिनी को जो है डेब्यूट वुमेन पार्लियामेंटेरियन लोकसभा में मिला है, ठीक है. अब हम आते हैं, और लोकसभा इलेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका सेशन हमने अभी लास्ट वाले सेशन में किया था 8 बजे. अब बात करते हैं अबाउट सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर SSC, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स. साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो है 2018 में कितने लैंग्वेजेस के लिए मिला? 24th लैंग्वेजेस में. जल्दी से चैट बॉक्स में सबसे पहले कौन बताइएगा कि लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल में है? 8 शेड्यूल में है लैंग्वेजेस, ठीक है. हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले चैट बॉक्स में कमेंट करके कौन बताइएगा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. लेकिन यहाँ पे 24 लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो है अनाउंस किया गया है. ओके, पोएट्री के लिए यहाँ पे सांतना तत्ती फ्रॉम असम, क्योंकि एसमीज पोएट्री में ये नाम है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल जो है आपका एम्फेसाइज दिया जा रहा है. अगेन नरेंद्र कुमार एंड सत्यजीत गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. शॉर्ट स्टोरीज के लिए यहाँ पे बंगाल और कश्मीर से मिला है, और साथ ही साथ मैथिली लैंग्वेज के लिए भी, बंगाली, कश्मीरी, मैथिली तीनों के लिए मिला है. और नोवेल के लिए यहाँ पे जो है आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि उर्दू नोवेल के लिए रहमान अब्बास को आपका ये अवार्ड मिला है. तो आपका एक दो आपको बन सकता है, इफ़ पॉसिबल फॉर यू देन यू कैन रिमेंबर. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे अलग से बॉक्स बना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इंडियाज हैवीएस्ट सेटेलाइट, विच इज द इंडियाज हैवीएस्ट सेटेलाइट, भारत का सबसे भारी सेटेलाइट कौन सा है? तो GSAT-11 जो है आपका भारत का सबसे हैवी सेटेलाइट है. ऑब्वियसली इसरो ने लॉन्च किया है, तो इसरो के चेयरमैन कौन है? के शिवा. GSAT-11 में बेसिकली क्या था, सेटेलाइट हैज 38 स्पॉट बीम्स एज वेल एज 8 सन बीम्स. तो डायरेक्टली क्वेश्चन तो यहाँ से इस तरीके से निकल के नहीं आता है. मास कितना है, अगर आपका हैवीएस्ट है तो मास कितना है ये बन सकता है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, 5854 kg इसका मास है, ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो कम से कम ज़रूर से देखिएगा, ठीक है. बिल्कुल NTPC के लिए भी अरूप कुमार इम्पॉर्टेंट है. द नेक्स्ट इज कांग्रेस इज अशोक गहलोत स्वर्निन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान. दिसंबर में ही चेंज हुए, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए. द नेक्स्ट इज इन राजस्थान गवर्नर कौन है? कल्याण सिंह इज द गवर्नर. एंड सिंस आई होप यू ऑल नो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अटॉर्नी जनरल को और गवर्नर को, ठीक. और गवर्नर फिर किसको अपॉइंट करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर्स को, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स को, ठीक है. तो इस हिसाब से, इस तरीके से गवर्नर जो है यहाँ पे क्या बताया गया कि गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक. मध्य प्रदेश में कौन है? गवर्नर आनंदी बेन पटेल. आनंदी बेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ 2 स्टेट्स. एक हो गया आपका मध्य प्रदेश, जल्दी से चैट करके बताइए कि दूसरे कौन से स्टेट के वह गवर्नर है, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड शक्ति कांता दास एज द न्यू RBI गवर्नर अ डे आफ्टर उर्जित पटेल रिजाइंड एज RBI गवर्नर. एंड शक्ति कांता दास इज द 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट ये क्या है,
सेम, हाँ ठीक, ओके. द नेक्स्ट वन इज अबाउट योर थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट. वन इज अबाउट दिल्ली. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन? अरविंद केजरीवाल. क्या लॉन्च किया है, कौन से स्टेट ने क्या लॉन्च किया है, ठीक है, और वहाँ से तीन कम से कम याद रखिएगा. दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, कौन सा योजना? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसके तहत जो सीनियर सिटीजन्स है, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन्स है वो 5 रिलीजियस जगहों में जो है घूमने जा सकते हैं. इसके लिए आपको, और ये जो है अंडर दिस फ्री पिलग्रिमेज स्कीम, इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको दिल्ली का रेसिडेंट होना पड़ेगा और 60 ईयर्स प्लस होना पड़ेगा, और आप एलिजिबल भी आपको होना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. 60 प्लस होने से मैं तो इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करने का कोशिश करती. द नेक्स्ट इज़ योर सेंटर इंक्लूडेड गंगोत्री एंड यमुनोत्री इन उत्तराखंड. कहाँ पे है गंगोत्री यमुनोत्री? बोथ आर इन उत्तराखंड. अच्छा, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आप क्या लिखेंगे? क्या आप एग्ज़ाम में गंगोत्री लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे कि गंगा का हेड स्ट्रीम है भागीरथी और वहाँ से निकला? तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है. अमरकंतक इन मध्य प्रदेश एंड पारसनाथ इन झारखंड अंदर सेंट्रल स्कीम टू डेवलप पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज डेस्टिनेशंस इन दी कंट्री. हमें क्या मतलब है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? आपको ये पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल, गंगोत्री एंड यमुनोत्री कहाँ है? उत्तराखंड. अमरकंतक प्लेट्यू कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है. पारसनाथ कहाँ है? झारखंड. ये पूछा जा सकता है, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है. अब नेक्स्ट वाले पे देखते हैं. जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी कुछ लॉन्च किया है. क्या लॉन्च किया है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है. स्टेट का नाम ध्यान रखिएगा. अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट में. यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना फोकस जो है बिल्कुल बनाए रखना पड़ेगा, डाइवर्ट नहीं होना है. एक कमेटी के बारे में बात किया जा रहा है, हाई लेवल कमेटी चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर. कौन? राजनाथ सिंह ने क्या अप्रूव किया है? एडिशनल असिस्टेंस ऑफ 1146.12 करोर फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDRF? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. तमिलनाडु में कौन सा साइक्लोन आया था? निम्नलिखित में से या तो आपको अरेंज करने बोला जा सकता है, फोनी या फिर फनी कहाँ आया था? उड़ीसा. तितली कहाँ आया था? उसी तरीके से पूछा जा सकता है कि गाजा नाम का साइक्लोन कहाँ आया था. तो गाजा नाम का साइक्लोन जो है वो तमिलनाडु में आया था, ठीक है, क्लियर है. गाजा वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वी आर डिस्कसिंग हियर, रिमेंबर. पीएम मोदी अनफ्लर्ट 150 feet टॉल ट्राई कलर टू मार्क नेताजीज होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग 75 years अगो इन पोर्ट ब्लेयर. तो अगर पूछे 150 feet का नेशनल फ्लैग कहाँ पे होस्ट किया गया, आंसर पोर्ट ब्लेयर में होस्ट किया गया. इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, प्लीज पुट अ स्टार मार्क एंड राइट इट डाउन. क्या लिखेंगे? द थ्री रीनेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार. तीन आइलैंड्स का नाम चेंज हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या? रॉस का नाम क्या हो गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप. रॉस का नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप. नील नाम का एक आइलैंड था जिसका नाम अब क्या हो गया है? शहीद द्वीप हो गया है. तो शहीद द्वीप कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार का हिस्सा है. हेवलॉक वेरी फेमस, अगर आप अंडमान घूमने गए हैं ना कभी, तो फिर हेवलॉक आइलैंड्स बहुत फेमस है. हेवलॉक आइलैंड्स का नाम क्या हो गया है? स्वराज द्वीप. ये क्वेश्चन किसी ना किसी एक शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा कि हेवलॉक आइलैंड्स का नाम जो है स्वराज द्वीप कर दिया गया है, ठीक है. अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में. क्या याद रखा लास्ट वाले से? हेवलॉक. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड दी गगनयान प्रोजेक्ट. नाम सुन के क्या लग रहा है? गगनयान. अच्छा, मतलब गगन जाने वाले हैं क्या? देखते हैं. 3-member क्रू होगा जो कि स्पेस में भेजे जाएंगे. कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए. तो गगनयान, गगन जा रहे इस यान में बैठ के, ठीक है. इसमें 10,000 crore का खर्चा आने वाला है. ओके, द नेक्स्ट वन इज योर पीएम मोदी अनाउंस्ड
4,500 crore का असिस्टेंस किसके लिए? भूटान के लिए. भूटान को कितने पैसे हम लोग देने वाले हैं? 4,500 crore rupees. ठीक है, किसके लिए? उन लोगों के 12th 5-year plan के लिए हम ये उनको देने जा रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड बोगीबिल ब्रिज इन असम. डायरेक्ट क्वेश्चन, बोगीबिल ब्रिज कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? आंसर, असम में है. कौन से रिवर के ऊपर? ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर. कौन से दो स्टेट्स, कौन से दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं? असम एंड अरुणाचल प्रदेश को. का आपका ललित यादव, ये स्लाइड्स मैंने खुद बनाया है, थैंक यू सो मच. ओके, लेट्स प्रोसीड टू दी, बिल्कुल खुद से बनाया है, ठीक है, इसको दीपक सर ने नहीं बनाया, इसको मैंने बिल्कुल खुद से बनाया है. ओके, द नेक्स्ट, ये आपका एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सब कुछ आपका सेटिंग होता है एंड यू कैन जस्ट इनपुट द डिज़ाइंस, तो इसमें मेरा ज़्यादा क्रेडिट नहीं है डिज़ाइंस का, ये आपका द क्रेडिट गोज टू योर ऑफिस अगेन. ठीक है, तो ये जस्ट सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि एक एक फोटो मैंने यहाँ पे डाला, इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान देंगे. द 20-year-old इंडियन वुमेन वेदांगी कुलकर्णी क्या बने हैं? फास्टेस्ट एशियन टू साइकिल द ग्लोब. फास्टेस्ट एशियन जिन्होंने आपका क्या किया है, पूरे ग्लोब के अक्रॉस में साइकिल किया है. ठीक है, कौन? नाम याद रहेगा, वेदांगी कुलकर्णी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने क्या किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने लॉन्च किया है एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. आप सभी लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर सुना होगा, अब एक और प्रोजेक्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, लोकसभा ने एक बिल पास किया है, कौन सा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018, जो कि रिप्लेस करेगा किसको? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करेगा. ये आपने काफ़ी बार जो है सुना होगा अबाउट दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आप लोगों ने ये सुना है ना, जागो ग्राहक जागो. ठीक है, सो दीज ऑल आर फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. द नेक्स्ट वन इज, इंडियाज लार्जेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट कौन सा है, कहाँ पे है, पूछा जा सकता है, आंसर क्या होगा? इंडियाज लार्जेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट. अब बहुत लोग यहाँ पे मुंबई लगा देंगे फॉर सम रीजन, बट द आंसर इज हरियाणाज झाजर एरिया. तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मुंबई नहीं लगाना है, हरियाणा लगाना है आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा पास्ट द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016 विच इज एम्ड प्रोहिबिटिंग कॉमर्शियल सरोगेसी एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू इट. ये एक बहुत बड़ी समस्या है. जो लोग फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स हैं या फिर बाहर से बहुत लोग या फिर जिनके पास पैसे हैं, वो क्या करते हैं, वो इंडिया में कोई भी गरीब को पकड़ लेते हैं जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, उसको बहुत सारा पैसे देके क्या करते हैं, सैरोगेसी. वैसे तो इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, जो माँ नहीं बन सकते हैं तो वो सैरोगेट मदर दूसरे के कोख में अपने बच्चे को पैदा कराते हैं, बट इसको इलीगली बहुत ही ख़राब तरीके से भी किया जा सकता है. सो दैट इज़ वाई ऐसे प्रैक्टिसेस को बैन करना है, इलीगल प्रैक्टिसेस को. सैरोगेसी इज़ नॉट बैड, उसको गलत तरीके से ह्यूमन राइट्स को इफेक्ट करना इज़ बैड. नीति आयोग ने एक यहाँ पे जो है, नीति आयोग के बारे में बात किया गया है, एक न्यू स्ट्रैटेजी जिसका नाम क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75. सो जस्ट रिमेंबर दिस. इसमें वैसे कुछ बातें बहुत आपका बताया गया कि आपका एज लिमिट वगैरह कम होने के बारे में भी. विच डिफाइंस क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर 2022 एंड 2023. सो जस्ट नो दैट, हाँ ये एक आपका रिपोर्ट है. आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट आपका इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा. भारत रत्न और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बर्थडे के दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? आंसर इज गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 25th ऑफ दिसंबर को है.
नेक्स्ट 14 दिसंबर मैंने आपको बार बार बताया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन. नेक्स्ट मृणाल सेन जेई में पूछा गया है क्वेश्चन. मृणाल सेन जो कि रिसेंटली पास अवे हुए थे वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, कोलकाता, और कौन सा इंडस्ट्री में है ये पूछा गया था. प्रोफेशन क्या है, फिल्म मेकर. नेक्स्ट डॉक्टर हामिदी कश्मीरी, डॉक्टर हामिदी कश्मीरी द टॉलेस्ट लिटरेरी फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर, ही रिसेंटली पास्ड अवे. तो क्या पूछा जाएगा, हामिदी कश्मीरी इज रिलेटेड टू विच फील्ड, आंसर उर्दू लैंग्वेज. सोशल वर्कर एंड पद्मश्री एवर्डी सुलागीती नरसम्मा पास्ड अवे रिसेंटली इन बेंगलुरु. तो उनका एज कितना था, 98 ईयर्स. कौन सा फील्ड था, सोशल वर्कर. ओके रिमेंबर दैट. पैडी एशडॉन इन ये क्या थे, पॉलिटिक्स से ताल्लुकात रखते थे. एंड दीपाली बोरठाकुर हु इज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ असम. नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. नाइटिंगेल ऑफ असम दीपाली बोरठाकुर रिलेटेड टू विच फील्ड, सिंगर. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 10th ऑफ दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे जो है ऑब्जर्व करते हैं. वर्ल्ड सॉइल डे, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सॉइल पोल्यूशन को हम रोकना चाह रहे हैं. हैशटैग स्टॉप सॉइल पोल्यूशन आपका एक ट्विटर पे भी आपका चला था, सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही, आज़ाद सिंह एंड मोहम्मद ताहिर अंसारी एब्सोल्यूटली करेक्ट. ठीक है, सो 5th ऑफ दिसंबर को हम वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करते हैं. नेवी डे 4th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं. और वर्ल्ड एड्स डे आप सभी लोगों को पता होगा 1st दिसंबर को, नो योर स्टेटस वॉज दी थीम, कि लोग मतलब टेस्ट ही नहीं कराते, सो दैट शुड बी डन. सिंस 1992 यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज. इंडिया में कहते हैं कि बहुत सारे जगह जो डिजेबल्ड होते हैं या फिर स्पेशली एबल्ड, उनके चढ़ने के लिए उतरने के लिए अच्छे से चीज़ें बनाया नहीं गया है, सो दैट हैज टू बी डन. ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. दैट इज योर इंडिजीनियसली डेवलप्ड काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, वेयर इज के फॉर काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड, आंसर के फॉर कर्नाटका. ठीक है, याद रखना. कृष्णा सोपती, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, 53rd जनपथ अवार्ड इन्हें मिला है, किस लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. कृष्णा सोपती को मिला है 53rd जनपथ अवार्ड. तो ये थे दिसंबर के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब हम आगे बढ़ रहे हैं जनवरी के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. यार दो ही महीने लग रहा है हर एक सेशन में हो पाएगा, सब मुझे फीलिंग आ रहा है. ओके अब बात कर रहे हैं पद्मा अवार्ड्स 2019, सुपर इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन किसी ना किसी एक शिफ्ट में जरूर बनेगा. ठीक है, पद्मा अवार्ड्स कौन कौन से, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण. ठीक है, आर्ट, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, सिविल सर्विस, बहुत सारे आपके फील्ड में दिया जाता है. तो कोई एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं होता है. हर साल जो है रिपब्लिक डे के दिन पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं. कब, रिपब्लिक डे के दिन पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं. ठीक है, अच्छा इस साल कितने कितने अवार्ड्स मिले, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पद्मश्री 94 लोगों के नाम तो नहीं याद रख सकते. तो कितने पद्मश्रीज मिले, टोटल 94 पद्मश्री अवार्ड यहाँ पे मिले. ठीक है, नेक्स्ट 4 पद्मा विभूषण मिले, 14 पद्मा भूषण मिले, और 94 पद्मश्री. अच्छा ये थोड़ा सा इस तरीके से चलता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण. ठीक है, इसमें से 21 महिलाएं थी और 11 पर्संस फ्रॉम कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स, NRI वगैरह थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्थुमियस एवर्डीज कितने थे और एक ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे थे. तो ये वाला जो है फिर से RRB JEE में अभी पूछा गया है. ठीक है, तो भारत रत्न तो वैसे 3 लोगों को मिला है, जिसमें से 2, ये थोड़ा सा स्लाइड भाग क्यों गया, ठीक है अब आ गया है. भारत रत्न 3 लोगों को मिला है, जिसमें से 2 जो है पॉस्थ्यूमियसली मिला, मतलब आफ्टर डेथ मिला है. एंड दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड इन JEE, अगर आप लोगों ने वो सेशंस देखे होंगे तो. यस ओके, प्रणब मुखर्जी को मिला है और पॉस्थ्यूमियसली किसको मिला है, भूपेन हजारिका को मिला है, एंड नानाजी देशमुख को मिला है.
प्रणब मुखर्जी कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे? वेरी इंपॉर्टेंट, 13th नंबर के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी रहे हैं 2012 से 2017। भूपेन हजारिका कौन से फील्ड से रिलेटेड है? आंसर याद रखिएगा, सिंगर। सुधा कांथाव भी इनको कहा जाता है, इनका एक और नाम वहां पे है। नानाजी देशमुख जो है उनको किस लिए मिला है? सोशल एक्टिविस्ट, वो मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा काम करने के लिए मिला है। नेक्स्ट जो है आपका पद्म विभूषण, क्योंकि यहाँ पे चार है तो हो सकता है आप याद रख सके, ठीक है। पद्म विभूषण जो, अच्छा इस तरीके से, ठीक है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और यहाँ पे एक और चीज जो है दैट इज तेजान बाई, कौन से फील्ड से रिलेटेड है? आर्ट एंड फोक से। इस्माइल ओमार गुल्ले फॉरेनर है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। मानीबाई नायक फॉर ट्रेड मिला है। बलवंत जी को यहाँ पे मिला है फॉर एक्टिंग। पद्म भूषण आप सारे याद नहीं रख सकते हैं, अगर आप रख सकते हैं तो फिर आप इसको बिल्कुल याद रख सकते हैं। पद्मश्री अगेन 94, सो अ लॉन्ग लिस्ट, बट आई वुड सजेस्ट यू पद्मश्री में से एक जो अभी साउथ इंडियन फिल्म मेकर है ना, ही इज़ ऑल्सो वेरी फेमस एक्टर, नाम बताइएगा किसे पद्मश्री मिला है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट दी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019, अगेन इम्पॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलियन वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 किस चीज़ से रिलेटेड है? आंसर टेनिस टूर्नामेंट है। कहाँ हुआ था? मेलबोर्न, और ऑस्ट्रेलिया जहाँ होता है हर बार वही हुआ था, ठीक है। सो जो आपका ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस का, चार होता है टोटल, उसमें से पहला सीरीज में ही जो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। ये आपका नॉर्मली जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले उसमें हुआ, दीज आर दी टोटल। आप सभी लोग जो कन्फ्यूज होते हैं ना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, सो दीज आर दी फोर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अच्छा एनीवेज, हम लोग सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन के यहाँ पे मेन सिंगल जो है नोवाक जोकोविक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेई में भी पूछा गया था, कहाँ से है? सर्बिया से है। रनर अप कौन? ऑब्वियसली राफेल नडल, स्पेन से। वुमेन सिंगल में नाओमी ओसाका जापान से, शी इज द विनर। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे कोई भी और सरप्रवा सिस्टर्स का नाम में टिक नहीं करेगा, दैट इज नॉट द ऑल आंसर ऑलवेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज अबाउट इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2019 इज फॉर विच स्पोर्ट? आंसर, अब मास्टर में बहुत लोग चेस लगा देंगे, लेकिन चेस नहीं है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक है। चेस नहीं है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक है। कहाँ पे? ऑब्वियसली इंडोनेशिया में। मेन सिंगल किसे मिला है? मेन सिंगल मिला है एंड्रेस एंटोसेन को। वुमेन सिंगल मिला है सानिया नेहवाल को। क्वेश्चन क्या बनेगा? इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2019 का वुमेन सिंगल किसे मिला? आंसर सानिया नेहवाल, नॉट कैरोलिना मरीन, राइट। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी अवार्ड्स 2018, इसको देखते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड फॉर जेई एंड गिवेंट इन एग्जाम ऑन 27th में, बिल्कुल सही। ओके, आईसीसी अवार्ड जो है किसको मिला है? विराट कोहली को पहले क्या क्या मिला है ये देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा आपको विराट कोहली साहब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इनको एलिमिनेट करने का सीख लीजिए या फिर टिक करने का, क्या क्या मिला है पहले ये देख लेते हैं। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, आईसीसी वन डे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, तीनों का आंसर विराट कोहली, ठीक है, ये बन गया। अब आगे देखिए, बाकी के जो लिस्ट है उसको आप यहाँ से एक बार गो थ्रू बन सक कर सकते हैं, बट ये तीनों में याद रखिएगा विराट कोहली, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट के लिए भी, वनडे इंटरनेशनल के लिए भी और ओवरऑल क्रिकेटर भी, ठीक है, इतना भी कर लेंगे तो बहुत। अब वुमेन्स के लिस्ट को देखते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जीता भी है इस बार, राइट, T20 वाला, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या अवार्ड मिला है? विकेट कीपर को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से अवार्ड मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर, क्योंकि आप जो है आपने T20 भी जिताया है, सो दैट इज वाई। क्या नाम है? अलेजा हेली,
और बाकी सभी भी आप एक बार देख सकते हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर सोफी इक्लेस्टोन को मिला है, इंडिया स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड स्पिनर स्मृति महाधना को यहाँ पे कौन सा अवार्ड मिला है, शी हैज़ वोन दी रेशल हे होई फ्लिंट अवार्ड, रेशल हे होई फ्लिंट अवार्ड स्मृति मंधना फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को T20 विनर ये याद रखिएगा, एंड इंडिया में स्मृति मंधना को याद रखिएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019। कौन सा वाला गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स था? ये 76th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स था। और यहाँ पे जो है बेस्ट अवार्ड्स में से क्या क्या आपको पूछा जा सकता है, पहली बात तो कहाँ पे, ठीक है, कैलिफोर्निया यूएस में, यहाँ में से क्या क्या आपको पूछा जा सकता है, बेस्ट मोशन पिक्चर, बोहेमियन रेप्सोडी, देन कम्स योर बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा रमी मलिक, देन कम्स योर बेस्ट एक्ट्रेस ग्लेन क्लोज फॉर द मूवी दी वाइफ। एटलीस्ट इतना यहाँ पे आप याद रखिएगा। और क्योंकि स्पाइडर मैन एक बहुत फेमस मूवी है, तो स्पाइडर मैन को कौन सा अवार्ड मिला, बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड मिला। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक तो यहाँ पे आपका बहुत फेमस होना पड़ेगा। और साथ ही साथ लेडी गागा का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, राइट, किस लिए मिला, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवासी भारतीय दिवस, जो लोग भारत के बाहर हैं बट स्टिल दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट, तो 15th प्रवासी भारतीय दिवस को प्रेसिडेंट ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में। तो इसके बारे में थीम आपको पूछा जा सकता है, थीम क्या है, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, दिस वॉज दिस ईयर का थीम। चीफ गेस्ट कौन रहे हैं, मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, आंसर प्रवीण जगनॉथ। क्यों पूछा जा सकता है, प्रवासी भारतीय दिवस में बुलाया गया है इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी लिस्ट को आप देख सकते हैं, बट एटलीस्ट ये तीन चीजें जरूर आप याद रखिए। कब मनाते हैं, 9th of January 1915 को महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, और इसीलिए इस दिन को यहाँ पे मनाते हैं। और सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिसाइड किया था, ओके लेट्स सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मोदी साहब का 3 दिन का गुजरात विजिट में से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे दो चीज़ों को उन्होंने इनॉग्रेट किया जिसको बिल्कुल याद रखना है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें की है, बट वाइब्रेंट गुजरात समिट का 9th edition इसको इनॉग्रेट किया, अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल 2019 को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट कुंभ मेला से एक क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है कि ये एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, क्या ये एक हेरिटेज है, बिल्कुल इनटेंजिबल मतलब जिन चीज़ों को आप नहीं छू सकते हैं ऐसे धरोहर, क्या है ये भी आपका एक कल्चरल हेरिटेज है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट इज अबाउट 17th रिपब्लिक डे जो हमने सेलिब्रेट किया है, इसमें हमने किन्हें इनवाइट किया है, तो साइरिल रामाफोसा को हमने इस बार इनवाइट किया था, प्रधानमंत्री जी ने इस बार इनवाइट किया था, और इनको हमने G20 समिट के दौरान ही यहाँ पे इनवाइट कर लिया था, सो वेरी इम्पॉर्टेंट अगेन याद रखेंगे। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट कुंभ इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, किसी ना किसी एक साइट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट वन इज अबाउट कैबिनेट अप्रूवल्स फॉर जनवरी 2019, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट हाँ हम लोग एक दो पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। माइंस टेस्टिंग एंड रिसर्च रिलेटेड हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। देन 13 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, बिहार में, गुजरात में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु में, ठीक है, कितने 13 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को भी रिकैपिटलाइजेशन का ज़रूरत पड़ा है, और भी बैंक्स को पड़ा है बट एक्सिम को भी पड़ा है, ये ध्यान रखिएगा।
मोर मैरिटाइम इश्यूज के ऊपर हम लोगों ने डेनमार्क के साथ जो है एमओयू साइन किया है, ठीक है, और स्विट्जरलैंड में हम लोग थोड़ा सा टैक्स असिस्टेंस जो है पाने का कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो जस्ट रिमेम्बर द कीवर्ड्स, जो जो मैंने यहाँ पे गोला लगाया है ना, कम से कम उतना थोड़ा सा एक आइडिया रखिएगा. बाकी ऑप्शंस में तो आंसर छुपा ही रहता है. जापान के साथ भी हमने बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, और कल मैंने आपको चाइना के साथ हैंड इन हैंड के बारे में भी बताया था. पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर अभी यहाँ पे बनाया गया किसके लिए, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वडोदरा गुजरात में है. ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बनेगा, ये वाला जहाँ पे मैंने रेड कलर से मार्क किया है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में है. नेक्स्ट, नया एम्स कहाँ पे बना है, इनमें से कहाँ पे नया एम्स बनाया है, विजयनगर इन जम्मू में बना है क्या, हाँ, अवंतीपुर पुलवामा कश्मीर, हाँ, पुलवामा का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, आप सोचें कि वहां पे एम्स क्यों बनाएगा, बट हाँ बना रहे हैं, ठीक है. राजकोट इन गुजरात, इसको आप टिक तो लगा ही लेंगे, तो इस अवंतीपुर इन पुलवामा इन कश्मीर, वहां पे भी हम लोग एम्स का सेटअप कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया एंड मोरक्को साइबर कोऑपरेशन के लिए. यहाँ पे कमलदीप सर क्यों फोन कर रहे हैं, चलिए हम यहाँ पे फोन को काट देते हैं. नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, फर्स्ट एवर थ्री वे मर्जर इन इंडियन बैंकिंग किस किस के साथ, विजया बैंक, देना बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा. थ्री वे मर्जर यहाँ पे हुआ है, बैंक्स का मर्जर होना इम्पोर्टेंट. अमेंडमेंट टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट ओके. एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल टू इंडियाज अप्रोच फॉर COP24 कहाँ पे, पोलैंड में. तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, पोलैंड में हमारे यहाँ से फिर से बहुत लोग काम करते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारा उनके साथ भी अच्छा है, ठीक है. तो जो रेड मार्क्स वाले हैं उनको पॉज करके रिवाइज करते हुए फिर आप आगे बढ़िए. हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हेल्थ एजेंसी, क्या नाम है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, किस लिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आरोग्य कोई रोग ना हो, ठीक है. नेक्स्ट वाला, कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय योवा, यहां पे कमलदीप सर ने लिख दिया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम स्कीम, सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, किस चीज से हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह से हो सकता है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1920 तक भी. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर अमेंडमेंट बिल 2018 फॉर रिविजन इन लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में बात सोच रहे हैं. यहाँ से मैंने दिमाग में ये लगाया था इसको बनाने से पहले कि आपको पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन इंडिया के कौन से स्टेट में है, आंसर मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं. परसेंटेज वाइज, यानी कि अगर स्टेट में 100 लोग हैं तो 100 में से 100 ST पॉपुलेशन में आते हैं, तो परसेंटेज वाइज किस में सबसे ज्यादा है, तब आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश. ये ध्यान रहा. नेक्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से शेड्यूल में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आता है, तो ये आपके 6th शेड्यूल में आता है, जबकि बाकी ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन 5th शेड्यूल में आता है, सुपर इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर को दिलशाद आगे और एक्सटेंड किया है. अभी जितने लोगों का दिल्ली में सेंटर पड़ा है नोएडा साइड, आपको ये चीज पता भी होगा, नहीं पता है तो अभी आप देखिएगा नोएडा साइड अगर पड़ रहा है तो ध्यान रखिएगा, लास्ट स्टॉप और आगे आपका इंक्रीज हुआ है. अमेंडमेंट टू द फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फॉर सार्क मेंबर्स, ठीक है, हम लोग यहाँ पे करेंसी स्वैप के लिए स्टैंड बाई स्वैप को हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है. अच्छा, एक और चीज़ है, नेपाल में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे 2000 का नोट, 200 का नोट, ये सब आप वहाँ पे अलाउड नहीं है अभी, ठीक है, ये भी एक बात है. नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ GST, आपने GST तो सुना होगा, GST एट, ये क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल.
ओके, रेड हाइलाइट्स सुपर इम्पॉर्टेंट, पॉज करना, दोबारा सुनना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली जी को ये सारे अवार्ड्स मिला है, हम लोगों ने ये ऑलरेडी देख लिया है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड ओडीआई ऑफ द ईयर, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कुछ देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्कीम्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। के जे एल्फोंस कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, ठीक है। क्या इनॉग्रेट किया है? स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने कुछ, मतलब आप जाके देख सकते हो, क्या जीरो पॉइंट कहाँ पे है? गैंगटॉक सिक्किम में है। क्वेश्चन, जीरो पॉइंट कहाँ पे है? गैंगटॉक सिक्किम में है। तो ये सब जगह जाके देखने के लिए आपने यहाँ पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। कौन सा स्कीम? स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्या है? ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का ये एक स्कीम है। कौन सा है? नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, आप एग्रीकल्चर में भी जाने पहचाने जो है लोग, बच्चे जो है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या फिर जो किसान हम चाहते हैं थोड़े पढ़े लिखे हो, तो जो बिना कुछ जाने भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख के भी जा सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया है? युवा स्वाभिमान योजना। किसके लिए? 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, पूछा जा चुका है, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि जैसे कि एमजी नरेगा है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसी तरीके से है आपका युवा स्वाभिमान योजना, कहाँ पे? एमपी में, ठीक है। केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है? प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम। इसके तहत एक ही बार में अगर आप रेसिडेंट नहीं हैं, एक ही बार में 5 लाख रुपए दो, बात खत्म करो। फिर स्टेट में, स्टेट के केस में देखिए, पेंशन के लिए बहुत दिक्कत होता है, बहुत बार लोगों को भगाया जाता है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। तो केरला ने क्या बोला, अगर आप नॉन रेसिडेंट है, कहाँ आप बार बार आते रहोगे, पैसे लो एक ही बार में एंड बाय बाय। पीएम मोदी ने और क्या लॉन्च किया है? प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। बाहर से आइए, इंडिया के अंदर तीर्थ दर्शन कीजिए और आप फिर जाइए, बाय बाय। तो ये ट्वाइस अ ईयर ये भी लॉन्च किया है, ओके, प्रवासी भारतीय दिवस के साथ, ये भी जानना जरूरी है, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या इनॉग्रेट किया है? उन्नति यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उन्नति? यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑब्वियसली यूनी स्पेस अगर यहाँ पे है तो इसरो, राइट, सभी लोगों को पता होगा, बेंगलुरु कर्नाटका। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन? पवन कुमार चामलिंग। क्या लॉन्च किया है? वन फैमिली वन जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। हर एक फैमिली में, भले ही इन्होंने यहाँ पे ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट में दिया है, पर हर एक फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब देने का ये आपका एक कोशिश है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 12 डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी में जॉब्स मिला है। एक घर में कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब तो होना चाहिए। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल स्कीम, प्लीज रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट वन इज योर, धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है क्या? उजाला सैनिटरी नैपकिंस। बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्यों? जिस बच्ची के पास खाने को पैसे नहीं है, उसको माँ बाप जो है स्कूल में नहीं डाल रहे, उसके पास सैनिटरी नैपकिंस कहाँ से आएंगे? उसके लिए पैसे कौन देगा? सो धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड उजाला सैनिटरी नैपकिंस इनिशिएटिव। और कौन से स्टेट में? बेसिकली ये आपका उड़ीसा के 2.25 करोड़ महिलाओं को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए। सो प्लीज़ रिमेंबर कि ये स्कीम कहाँ पे है? उड़ीसा में, वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल में क्या लॉन्च किया है? कृषि कृषक बंधु, माने क्या? किसान का बंधु, ओके? तो ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। प्लीज़ रिमेंबर वन फैमिली वन जॉब एंड प्लीज़ रिमेंबर उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिंस उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टेट के और कुछ करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? 4 लेन गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि प्रयागराज को वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है। पहले डर लगता था दिल्ली से यूपी, क्योंकि रास्ता इतना अच्छा नहीं था, लगभग 8 साल पहले, राइट? बट अभी जो है इतना बढ़िया रास्ता है दिल्ली से यूपी तक, इट इज़ लाइक सुपर स्मूथ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रेन में जाओ चाहे बस में जाओ। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर
नवीन पटनायक ने क्या अनाउंस किया है, जीवन संपर्क. इससे पहले क्या था, उजाला सैनिटरी नैपकिन. सब क्या है, जीवन संपर्क. उत्तराखंड में क्या है, फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन्स. एक मूवी दिखाते हैं ना जो आपका ट्यूलिप गार्डन्स, जिसके अंदर आपका वो माइंस बिछा होता है, फिर माइंस के ऊपर पैर रख के वो मर जाता है. कौन सा मूवी बताना, आई एम बैड एट रिमेंबरिंग मूवी का नाम, बट आई रिमेंबर द एंटायर स्टोरी. एनीवेज, तो फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ पे, पिथौरागढ़. अभी यहाँ पे ना एक फ्लावर फेस्टिवल भी अभी आपका स्टार्ट होने वाला है उत्तराखंड में, बट बहुत कम लोगों को अलाउ करता है वहाँ पे जाके वो फ्लावर फेस्टिवल देखने का. द नेक्स्ट वन इज अबाउट अटल सेतु. कहाँ पे, मांडोवी रिवर इन गोवा. अटल सेतु कहाँ पे है, मांडोवी रिवर में है, गोवा में है. ठीक है, तेलंगाना के गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे किया है, स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स. ठीक है, एक अभी हमने लायंस के बारे में देखा था एशियाटिक, और उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1972, उसके बाद क्या है, स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, कहाँ, तेलंगाना. ठीक है, जो मैंने रेड हाईलाइट किया है उन वर्ड्स को कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आंसर तो दोनों एक साथ ही होता है एग्जाम में. अरुणाचल प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल, पाकी पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल. सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ लिख लो पॉज करके. अरुणाचल प्रदेश में पाकी पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल. अगर सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा तब क्या हो जाएगा, नागालैंड. हॉर्नबिल कहाँ का स्टेट बर्ड है, आंसर केरला. पाकी पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल कौन से स्टेट का, अरुणाचल प्रदेश. नागालैंड नहीं, ध्यान रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं. अरुणाचल आंध्रा प्रदेश के कैबिनेट ने और क्या किया है, 5% रिजर्वेशन ईच फॉर कापू. कापू नायडू कम्युनिटी बहुत फेमस कम्युनिटी है, कापू फैमिलीज में 5% रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बात आपका हुआ है. ठीक है, निकल के आ सकता है, बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एज दिस वन. महाराष्ट्र में नासिक इन महाराष्ट्र विल बी साइट ऑफ द कंट्रीज सेकेंड डिफेंस इनोवेशन हब. सबसे पहला डिफेंस इनोवेशन हब कौन सा है, आंसर कोइम्बटूर तमिलनाडु. कमलनाथ लॉन्चेस गवर्नमेंट्स 50,000 crore का फार्म डेप्ट वेवर स्कीम, जय किसान ऋण मुक्ति योजना. किसान का ऋण मुक्ति बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, कहाँ पे, कहाँ से लॉन्च किया है, ये आपका मध्य प्रदेश. ठीक है, और हमारे देश में जो है, चलिए उस इशू को अभी बात नहीं करेंगे, बट लोन्स भी अगेन बड़े फार्मर्स है कि छोटे फार्मर्स है, ये थोड़ा देखना आपका ज़रूरी है. गुजरात जो है पहला ऐसा स्टेट है, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दी 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. अभी हुआ है ना लागू, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी मिलेगा 10% रिजर्वेशन. कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले लागू किया, गुजरात. और कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में लॉन्च किया है द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल. लोकसभा पीएम मोदी डिस्क्राइब्ड इट एज लैंडमार्क मूवमेंट टू नेशंस हिस्ट्री. द नेक्स्ट वन इज अबाउट योर पोलावरम प्रोजेक्ट. कहाँ पे है पोलावरम प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश में है, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसने अपना नाम बना लिया है. ठीक है, पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, 10% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट गुजरात. फिर और भी कुछ प्रपोजल्स के बारे में है, बट नॉट दैट मच यू नो इम्पॉर्टेंट. उड़ीसा में एक और चीज़ है, अगेन फॉर फीमेल्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर अप टू 3 lakh फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप. उड़ीसा इज ऑल्सो दी सेंसस के हिसाब से पुअरेस्ट कंट्री, पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. दिस इज दी पुअरेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री. तो यहाँ पे अगर जॉब नहीं भी है तो वुमेन्स क्या कर सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकती है और फिर बैंक से 3 lakh तक का लोन ले सकती है, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा और अपने से बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स के तरफ. ये तो बहुत सिंपल है, अपॉइंटमेंट्स आप लोग खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड जस्ट ट्राई टू गो थ्रू देम वंस. इतना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ अलग से हाईलाइट भी नहीं करूँगी सिवाय इंडिगो के सीईओ के
के बारे में, बट इसके अलावा आई विल नॉट बी हाईलाइटिंग एनीथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप बैंकिंग वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस में आपके येस बैंक के सीईओ एंड न्यू एमडी, दिस विल बी इम्पॉर्टेंट, रवनीत सिंह गिल. द नेक्स्ट वन हियर विल बी अबाउट मेडागास्कर, जिसके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है. वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बन जाएगा. सो प्लीज़ रिमेंबर एनरी रोजेलिना. स्वीडिश पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है नए प्राइम मिनिस्टर को. आरबीआई ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ वी वैद्यनाथन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बाकी तो बैंकिंग के लिए. द नेक्स्ट वन अगेन यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, बट यहाँ पे भी एज सच कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है एक्सेप्ट योर मिंत्रा के नए सीईओ. सो हु इज़ द न्यू सीईओ दैट यू कैन बी आस्क्ड. सो अमर नगरम हैज़ बीन नेम्ड एज हेड ऑफ मिंत्रा एंड जबोंग, रिपोर्टिंग टू कमल कृष्णमूर्ति सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट ग्रुप. ये यहाँ पे फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ आपके लिए इम्पॉर्टेंट बिल्कुल हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाले में आते हैं. इंडियाज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कौन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो यू शुड नो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज इंडियाज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर. ये था मेन उद्देश्य इसको रखने का. इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम क्या है, येस बैंक, क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए, दैट इज वाई. अशोक चावला ने रिज़ाइन किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से, तो डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी नहीं बनता है. ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सुपर इम्पॉर्टेंट निकोलस मदुरो, जो कि आपके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, न्यूज़ में बने हुए हैं इसीलिए. नेक्स्ट, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, आंसर विजेंद्र प्रसाद विश्व. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, अश्विनी लोहानी, जो कि अभी रिटायर हुए हैं. ठीक है, तो अभी नए कौन है, वी के यादव, सो रिमेंबर दैट. सो दीज थ्री विल बी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस स्लाइड, जिसमें से ये वाला आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है. आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स में कुछ और. अगर आप स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम बैंकिंग, देन यू कैन गो थ्रू दीज अपॉइंटमेंट्स एज वेल. नेक्स्ट आते हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर. सो हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, बिल्कुल पूछा जा सकता है. मलेशियाज किंग, सो हु इज़ द किंग ऑफ मलेशिया, ये पूछा जा सकता है. दो दे विल नॉट नॉर्मली आस्क यू अबाउट पॉइंट नंबर थ्री, तो ये दो भी आप चाहे तो जस्ट गो थ्रू देम वंस, बट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मली इट वोंट अराइज. नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दैट द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जिम योंग किम, उन्होंने जो है सरप्राइजिंगली क्या किया था, अपना रेजिग्नेशन दे दिया था. सो आज के वीडियो में आपको कमेंट करके ये बताना है हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, कौन है नए प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के. आने वाले वीडियोज में मैं आपको जरूर बताऊंगी. और साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपका इंडिया में नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा. हु इज़ दी चेयरमैन, द चेयरमैन इज़ प्रणव आर मेहता, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अब हम आते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में. ऑलरेडी हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन डिस्कस किया था, कहाँ पे, मेलबोर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में. मोहम्मद शमी कौन है, फास्टेस्ट इंडियन बॉलर है. ठीक है, इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में से ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने शुगर केन जूस को नेशनल ड्रिंक बता दिया है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो डावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है. ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, डायरेक्टली आंसर पे जा रही हूँ, बट वी हैव अ लॉट टू कवर, सो दैट इज़ द रीज़न, सो प्लीज़ बेयर विथ मी. डिफेंस के करंट अफेयर्स में से DRDO ने क्या आपका रिसेंटली फायर किया है, टेस्ट फायर किया है? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. ठीक है, वॉट इज द फुल फॉर्म? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अबाउट हु इज द नेवी चीफ, नाम क्या है? एडमिरल सुनील लांबा. क्या कमीशन किया है? एक नया नेवल बेस कहाँ पे किया है? आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है INS कोहासा कहाँ पे है, तो अंडमान एंड निकोबार, INS कोहासा. ठीक है, आगे 10 ईयर्स आफ्टर 26/11 जो कि आपका हुआ था, उसके बाद एक एक्सरसाइज, यहाँ पे आप याद रखिएगा क्योंकि लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है ये, क्या है? सी विजिल. सी विजिल इज द लार्जेस्ट टिल नाउ, सो यू शुड नो दिस कि हाँ सी विजिल है. टोटल कितने कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के? 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, जिसमें से लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसका है? गुजरात का है. नेक्स्ट, इंडिया म्यांमार का बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज का नाम क्या है? IMBEX, इंडिया म्यांमार बाइलेटरल एक्सरसाइज. ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ रैंक्स एंड इंडेक्सेस के बारे में बात किया गया है, जिसमें से इंपॉर्टेंट वाले सिर्फ हम देख लेते हैं. विच इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल कस्टमर? आंसर, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर. ओके, आप क्या लिखिएगा? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट. नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज किया है ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018. हम लोग करप्शन में कितना आगे है? 78 आउट ऑफ 180 कंट्रीज है. ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है. फर्स्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इज चाइना, सेकेंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इज इंडिया, थर्ड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इज जापान. स्टील प्रोड्यूसिंग में नंबर वन में है चाइना, नंबर टू में है इंडिया, हम लोग मिल्क में सबसे आगे हैं. ठीक है, और शुगर केन वाले, शुगर केन में, शुगर में सबसे आगे है. क्यूबा जो है वो बीट रूट वाले शुगर में सबसे आगे है. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसको रिपोर्ट में इंडिया प्रीमियर कंटेनर पोर्ट टॉप 30 में यह आया है ग्लोबल पोर्ट्स में से. सो दो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, द फर्स्ट थ्री आर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो फर्स्ट थ्री कम से कम यहाँ पे ज़रूर देखिएगा. आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट डेज है कुछ यहाँ पे. 30 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, कि हम लोग लेप्रोसी को जो हटाना चाह रहे हैं इसके लिए. नेशनल वोटर्स डे कब है? 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे. गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं गर्ल चाइल्ड डे. 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी डे. नेशनल यूथ डे किसके, किन महान हस्ती के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, सुपर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और वर्ल्ड हिंदी डे आप लोगों को पता ही होगा, January 10th, तो ये बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी में हम लोग मनाते हैं. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में से कुछ देख लेते हैं यहाँ पे. बेस्ट इन शो, ये आपका क्योंकि नॉर्थ अमेरिका है, सो यू कैन गो थ्रू इट, बट Not that much. Just go through it once if you want to. Fine. कुछ समिट्स के बारे में, ये वाला फिर से इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे एक बार फिर से कंसंट्रेशन कीजिएगा. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? आर्टिजन स्पीक एट एलिफेंटा केव्स. एलिफेंटा केव्स इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट. दिस इज वॉट यू हैव टू नो. ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या ऑर्गेनाइज किया है? सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में हुआ. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आयुष का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे, इसमें कौन कौन से मेडिसिन आते हैं? आयुर्वेदा आता है कि नहीं? ये आपका
कौन कौन सा आता है कौन कौन सा नहीं आता ये आपको पता होना चाहिए. स्टील एक्सपोर्ट में इंडिया का नंबर कितना है, सेकंड है. प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इंडियन साइंस कांग्रेस का 106th एडिशन कहाँ पे हुआ था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ था. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड द लास्ट वन हियर इज फर्स्ट ग्लोबल एविएशन समिट 2019 फ्लाइंग फॉर ऑल, ये जो है कहाँ हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था. ओके नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट विजिट्स को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. उज्बेकिस्तान में हमारी सुषमा स्वराज विजिटेड, सो अगेन इम्पॉर्टेंट. प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे का नाम क्या है, अर्ना सोलबर्ग, वो दिल्ली आई थी. सो यू मस्ट नो कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है क्योंकि इन न्यूज. ओके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से कुछ देख लेते हैं. यहाँ पे इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया है, PSLV C-44 कलाम सेट, APJ अब्दुल कलाम के नाम पे कलाम सेट, जो कि एक माइक्रो सेटेलाइट है, बहुत ही छोटा सा सेटेलाइट है. आप क्या सोचते हैं बहुत बड़े बड़े सेटेलाइट्स, पर ये आपके हाथ में आ जाएगा. ठीक है, तो इतना छोटा है कि आप उसको अपने हाथ में उठा सकते हैं. दिस इज योर कलाम सेट, रिमेंबर दैट इट इज अ माइक्रो सेट. इसरो के चेयरमैन कौन है, अगेन डॉक्टर के शिवान, सो डू नॉट फॉरगेट इट, बार बार आपको ये मैं याद दिला रही हूँ. ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स में से एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखिएगा कि मलाला यूसुफ़ज़ई, आप सभी लोगों ने सुना है. ठीक है, उन्होंने एक और बुक यहाँ पे लिखा है, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फॉर रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मलाला यूसुफ़ज़ई ने लिखा है. ठीक है, कुछ मिसलिनियस करंट अफेयर्स जो कि आपको पूछा जा सकता है. इंडियाज फास्टेस्ट इंडिजिनियस ट्रेन जो हमने इंडिया के अंदर बनाया कौन सा है, ट्रेन 18, रिमेंबर दैट. इसका नाम अभी चेंज कर दिया है, वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया है, दिल्ली से वाराणसी लगभग 6 घंटे में पहुंचा देती है, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नारी शक्ति को हिंदी वर्ड ऑफ द डे कहा, नारी शक्ति, सो वेरी इंपॉर्टेंट. वीर सावरकर इंटरनेशनल पोर्ट कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है. अरुणिमा सिन्हा कौन है, फर्स्ट फीमेल एप्यूटी, ट्रेन से इनको गिरा दिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो कितने कंट्रीज से आए हुए माइनॉरिटीज़ को इंडिया में आपका सिटीजनशिप देना चाह रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान, इन 3 कंट्रीज से आए हुए 6 कम्युनिटीज़ को, और वो कौन कौन से है आपके, हिंदूस बुद्धिस्ट सिख जैन पारसी एंड क्रिश्चियन, 6 कम्युनिटी फ्रॉम 3 कंट्रीज. ऑर्बिचुरी यानी कि किनका निधन हुआ है हाल फिलहाल में, साहित्य अकादमी विनर जो आपके हैं अतिन बंदोपाध्याय, पूछा जा सकता है कौन से फील्ड से, सो राइटिंग से आपका लेखक वो रह चुके हैं. रघुवीर सिंह भोला हॉकी से, ओलंपिक में 2 times ओलंपिक मेडलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. रघुवीर सिंह भोला कहाँ से, हॉकी से. ठीक है, नेक्स्ट वन इज विश्व के सबसे ओल्डेस्ट मैन का निधन हुआ है, नाम क्या था, मसाजो नोनाका. रमाकांत आचेकर क्रिकेट के कोच रहे हैं, सचिन तेंदुलकर रोए भी थे उनके निधन होने पे और वो भी वायरल हुआ था, तो आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है, यू मस्ट नो, वेरी इंपॉर्टेंट. साहित्य अकादमी विनर दिव्येंदु पलित कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, बंगाली राइटर थे, तो बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है. कुछ और यहाँ पे स्टेट के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है, सो जस्ट ट्राई टू गो थ्रू देम एज वेल. एंड इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो लास्ट के ये जो 2 स्लाइड है इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अब ये एक रिविजन के लिए, जैसे कि टाटा आया था तो टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है, तो ये कुछ बस रिविजन के लिए है जो आप ऑलरेडी जनवरी एडिशन में जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई किया है उसका एक बार बस रिविजन है. ठीक है, तो 3 महीने का आज का मेरा टारगेट था, बट 3 महीना वी कुड नॉट डू, जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक सेशन में हम लोग 2 months का ही करंट अफेयर्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम.
तो आज जो है हमने सेकेंड डे पे करंट अफेयर्स कवर किया है दिसंबर एंड जनवरी का. देखिए अब एक बार ज़रा यहाँ पे बोर्ड में आता है. अब ये ऐसा है कि अभी मुझे पता है कि जनवरी वाला जो आपका पार्ट था उसमें थोड़ा सा हम लोग काफ़ी तेज़ भागे, बस क्वेश्चन और बस आंसर में हम लोगों ने स्टिक किया. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन अ वे मैंने सेशन को कर दिया. बिकॉज वी हैव टू कवर अगेन, रिमेंबर कितने महीने का, वन ईयर का करंट अफेयर्स इज़ द टारगेट. तो दो दो मंथ करके ही यहाँ पे चलते हैं, तीन मंथ नहीं करते. तो कल हम लोग फेब्रुअरी और मार्च को ही बस करेंगे, ठीक है. एंड अगर आपको लिखना पढ़ना कैसे करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे, अगर ये डर लग रहा है तो सिर्फ ये कीजिएगा, वंस यू आर डन विद दिस सेशन, जैसे ही हो जाए लास्ट में आई विल प्रोवाइड यू पूरा एक साथ पीडीएफ. वेट, आई विल शो यू एक बार, प्लीज़ यहाँ पे आप वापस से आ जाइए कैम्प्टेशिया में. आई विल शो यू, सी दिस, मैं यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर दे रही हूँ. आई एम मेकिंग दिस एंटायर थिंग इन वन गो ओनली. जैसे मैंने यहाँ पे पूरा फेब्रुअरी का बनाया हुआ है, तो एक बार इसमें आ जाइए, कैम्प्टेशिया में आ जाइए. आई वॉन्ट टू शो दिस एक्चुअली, नहीं कैम्प्टेशिया में आ जाइए, ये मैं दिखा ही रही हूँ जानबूझ के बच्चों को. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा एक ही पीपीटी में ये है, ठीक है. तो यहाँ पे अक्टूबर से लेके पूरा जो सारे स्लाइड्स है वो एक ही पीपीटी में. कल थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैंने ज़्यादा डिज़ाइन कर दिया था. आज मुझे इतना टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर डिज़ाइन नहीं कर पाई. तो ये पूरा आपका एक ही में अटैच्ड है, राइट. तो फिर हम लोग यहाँ से जो है कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. वी विल स्टार्ट टुमारो फ्रॉम फेब्रुअरी. तो वापस से आ जाते हैं, कल हम लोग फेब्रुअरी और मार्च के करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अगर आपने किसी भी सोर्स से पढ़ा है फेब्रुअरी और मार्च को, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार उसको रिवाइज करके आ सकते हो. अगर आपके पास टाइम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अभी भी आपने मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं किया जो पढ़ा है, स्टैटिक के जनरल स्टडीज़ को रिवाइज नहीं किया है, तो फिर आप उसको कर लीजिए. ओके, सो यू डू दैट. जैसे मैथ्स अगर बिल्कुल नहीं किया, स्कोरिंग है, रीजनिंग पूरा भूल चुके हैं, स्कोरिंग है नहीं किया, सो फर्स्ट यू डू दैट. ओके, बिकॉज दिस करंट अफेयर्स सेशन, जस्ट लीव इट ऑन मी, आई विल बी देयर. हम लोग पूरे छः सेशंस को कंप्लीट करेंगे. और वंस इट इज़ डन, वेन एवर यू आर फ्री, इसको इंटू 1.5 इंटू 2.5 स्पीड में, 1.5 तक आप कैच कर पाओगे, 1.25 या फिर 1.5 स्पीड में इसको रिवाइज कर लीजिए. ओके, कहीं ना कहीं इट विल स्टे इन योर माइंड. और जस्ट कीप ऑन लुकिंग, जब आप रिवाइज कर रहे हैं जहाँ जहाँ रेड पेन गया है उन वर्ड्स को ज़रूर देखिएगा, उस हिसाब से रिविजन कीजिएगा, ठीक है. कौशिक जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले से पढ़ रखा है, देन ओनली रिविजन इज ऑल्सो फाइन. ओके, चलो, सो आई विल टेक लीव फ्रॉम दिस सेशन राइट नाउ. आई विल सी यू गाइज अगेन टुमोरो 9 PM के सेशन में, जहाँ पे हम लोग फेब्रुअरी और मार्च इन दोनों महीनों के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरी वन. प्लीज़ डू लाइक दिस सेशन अगर आपको सेशन पसंद आया तो, और साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिएगा. टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट. थैंक यू. Subscribe to Adda 247 and press the bell icon to never miss another update.